हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं कि अपने पैरों को कैसे मजबूत करें। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, आपके अंदर स्टेमिना होना बहुत जरूरी है और आपके पैर लेग्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इनको स्ट्रांग कैसे करें, मजबूत कैसे करें। तो मैं पूरी वीडियो में कुछ जो मेन मेन टिप्स हैं वो आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपने पैरों को मजबूत करना है तो आपको पांच चीज़ें फॉलो करनी होगी। सबसे पहली, आपको एक बहुत अच्छी रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो आपकी स्ट्रेचिंग और लेग से रिलेटेड है। दूसरा, आपको नियमित प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नियमित रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। तीसरा, आपको एक अच्छी हेल्थी डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप हेल्थी डाइट लेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। चौथा, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जिसे कहते हैं टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, ये सब करना पड़ेगा। और आखिरी और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो अपनी थिंकिंग है, जो थॉट है, वो पॉजिटिव रखना है। ठीक है, जबकि सकारात्मक सोच, आई कैन डू इट, ठीक है, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मन में रखना है कि मुझे ये करके दिखाना है। ओके, अगर आप ये पांचों पॉइंट्स अपनाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दिस। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपको पैरों को मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी ग्राउंड में जाके, ठीक है, या पार्क में जाके रनिंग स्टार्ट करें, जॉगिंग करें पहले, फिर रनिंग करें। तो रनिंग हमेशा पंजों पर करें, ठीक है, और उसके बाद नंगे पैर अगर आप करते हैं तो ग्राउंड पे कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप जूते पहन के करते हैं तो इस अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज पहनिए, फिर आप ट्रैक पे भी भाग सकते हैं अपना। ठीक है, रनिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, नॉर्मली आप पंजों पे थोड़ा सा हल्का सा आगे झुक के ऐसे करके ये आप जॉगिंग करेंगे, फिर इसी में रनिंग करेंगे। रनिंग करने से पैर मजबूत होते हैं, अपना थाइस मसल्स होती है ये स्ट्रांग होती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा आप जो स्किपिंग होती है, जैसे कि स्लो जंप हो गया, हाथ जाकर सामने रखना या कवर पे रखना ऐसे रिस्ट के ऊपर, स्लो हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, इनके आप 20-20 मिनिमम करेंगे, बाकी अगर आप 40 या 50 कर सकते तो अच्छी बात है। इसके बाद क्रॉस जंप हो गया, क्रॉस के बाद फिर जंपिंग जैक हो गया। जंपिंग जैक आपको थोड़ा सा ज्यादा करना है, इसके आप 50-50 के तीन सेट कर सकते हैं। ओके, ये सब करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस टाइप से करने के बाद आपको थोड़ा सा साइड बिल्कुल स्ट्रेट करके पूरा डाउन करना है। ठीक है, फिर ये, इसके बाद आपको वन लेग सिट अप्स करना है, यानी कि एक लेग पे बैठना है पूरा ऐसे करके। ठीक है, घुटना आउटसाइड, पूरा पैर फिक्स, हिलने उठी होनी चाहिए, लेग स्ट्रेट, पंजा ऊपर, ये पोजीशन है। कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। प्रॉपर थाइस अप एंड डाउन, ओके, अप एंड डाउन, ओके, अप एंड डाउन, दोनों हाथ सामने रख के ऐसे करके आपको ये मिनिमम 50 टाइम करनी है डेली। ओके, इससे आपकी थाइस और आपकी लेग्स स्ट्रांग होगी। इसके बाद आपको जो चेस्ट जंप होता है वो करना है। चेस्ट जंप में क्या है, दोनों घुटने जंप लेके ऊपर आते हैं। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे करो, हाथ ऐसे रख लो और हाथ ऐसे रख के उस पर आपको जंप करना है, ये नॉर्मली। बाकी आपको क्या करना है, धीरे धीरे हाइट बढ़ानी है, हाथ सामने रखो, पूरा जंप लेके यहां से पूरा जंप लेके, ठीक है, पूरा जंप लेना। ये आपको मिनिमम 20-20 के तीन सेट करने, एक बार में 20, ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको एक लेग सीधा करना है, धीरे धीरे पुश करना है, दूसरा लेग सीधा करना है, धीरे धीरे पुश करना है, फिर दोनों लेग्स ऐसे जोड़ के रखने और डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये आपको 30 टाइम करना है। ओके, 30 बार, इससे आपके पैर और मजबूत होंगे। इसके बाद एक आता है बड़क जंप। बड़क जंप में क्या है, दोनों ही पीछे की तरफ रखते हैं,
हाथों से ऊपर उठने की कोशिश करो। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये ओके, और जब आपको जंप लेना है तो धम से नहीं कूदना है, थोड़ा सा बैलेंस बना के इस तरह से कूदना है, जो घुटनों पे जोर ना पड़े। अगर किसी के लैग्स में ऑलरेडी इंजरी हो या बॉडी में कोई दिक्कत हो वो ना करे अपना, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी पंचिंग बैग लेना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कैसे बनाते हैं पंचिंग बैग, या मार्केट से भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको किकिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप नॉर्मली ये वाली किक मार सकते हैं, स्टार्टिंग में हाई कम रखना, ओके ये ओके। अब इसको फिर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट बनाया, पैर बॉम किया, फिर वापस टारगेट बनाया, पैर बॉम किया, फिर वापस टारगेट बनाया, पैर बॉम किया, फिर वापस। किसी का अगर बैलेंस नहीं बनता है तो वो एक दीवार की ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार की सपोर्ट लेके ऐसे थोड़ा धीरे से बता देता हूँ, दीवार की सपोर्ट दो, पैर उठाओ, ठीक है। सेम राइट, सेम लेफ्ट, ओके लेफ्ट। ये जो भी नहीं है कराटे में उसको मवासी के लिए बोलते हैं, और अपर पार्ट जो है ये इसमें टच होगा, ठीक है। तो इसे करने के बाद आपको नॉर्मली सीधे खड़े होना है और फ्रंट मान के, ठीक है, फ्रंट ये, ठीक है। ये करने के बाद ये आप 20-20 से स्टार्ट करें, बाकी 50-50 करें। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे पंजे मोड़ के वज्रासन में बैठ जाना है और ध्यान करना है, यानी कि आईज क्लोज करनी है और मन में ओम बोलना है, ठीक है। अच्छा मन में आपको ओम बोलना है, ठीक है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, पर ये आपको मन में बोलना है ओम। ये आपको 10 से 15 मिनट करना है, 10 से 15 मिनट आप जब वज्रासन पर बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जिससे कि आप अपने पैरों को बहुत अधिक मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये सिर्फ 3-4 महीने कर लिया, असर तो आपको 1 महीने बाद ही दिख जाएगा, बट अगर आपने 3-4 महीने कर लिया, रेगुलर कर लिया, तो आपके पैर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए और स्ट्रांग रहिए। ओके बाय बाय।